गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा मेरा थंबनेल देख करके कि आज के लेक्चर में या फिर आज के वीडियो में हम लोग किस बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों का जो क्लास 11th का जो एग्ज़ाम होने वाला है टर्म वन एग्ज़ाम, तो टर्म वन का जो एग्ज़ाम होगा वो हम लोग को दिसंबर में होगा। मतलब कि हमारे पास अभी 2 मंथ पूरा पूरी हम लोग को समय है, 2 मंथ से 2.5 मंथ भी बोल सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग 2 मंथ का यहाँ पे बात करेंगे। क्योंकि जब हम लोग सिलेबस ख़त्म कर लेंगे 2 मंथ में, तो उसके बाद क्या करेंगे, तो उसका रिवीजन फिर से कर लेंगे, उसका क्वेश्चन बैंक का हम लोग तैयारी कर लेंगे, उसके बाद उसका जो मॉडल पेपर जो हम लोग को तैयार किया जाएगा जैक बोर्ड के द्वारा, तो उसका भी हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन करते हुए सारा कुछ रिविजन करते हुए सारा कुछ फाइनल कर देंगे। तो इसी वजह से हम लोग बेसिकली जो हम लोग को पढ़ने का जो है समय, वो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ हम लोग के पास बचा हुआ है, ठीक है ना। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे चैनल के थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपना केमिस्ट्री में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि पिछले वर्ष जो एग्ज़ाम हुआ है जैक बोर्ड के द्वारा, जो कि क्लास 12th के लिए, तो उनमें से हाईएस्ट मार्क्स 99 नंबर यहाँ पे गया है केमिस्ट्री से, ठीक है। तो आप चाहे तो वहाँ पे जाकर मार्कशीट भी देख सकते हैं जो मैंने अपलोड किया है, तो वहाँ से जा करके आपको पता चल जाएगा कि अगर इस चैनल से जुड़े हुए रहिएगा तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। सो आप इतना निश्चिंत रहिए, अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको मार्क्स में कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन एक बात का और ख्याल रखें, सिर्फ और सिर्फ हम लोग इस चैनल में अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नंबर के लिए नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि आपको पता है कि अभी जस्ट आप 10th क्लास पास आउट होके हुए आए हैं, तो आपको पता होगा कि आप वहाँ पे 80% 90% 90 क्रॉस भी कर चुके हैं बहुत स्टूडेंट, तो आपको पता होगा कि उतना मार्क्स लाने के बावजूद भी आपके हाथ में कुछ वैसा नहीं हुआ, या फिर वो जो उतना मार्क्स जो आया है उसका किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिल रहा आगे, है कि ना। जैसा कि आप साइंस लिए, आपको जैसा कि महसूस हो रहा होगा अब तक, है कि ना, क्योंकि 2 मंथ तो हो ही गया आपका कॉलेज स्टार्ट हुए हुए, तो अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि 10th का लेवल और 11th का लेवल कितना है। सो तो इसी तरह से अगर आप अभी भी जैसे कि 10th क्लास बिताए हैं, मार्कशीट के पीछे दौड़े हैं, सिर्फ और सिर्फ नंबर के पीछे दौड़े हैं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सिर्फ उसी को ध्यान देंगे, तो ऐसा अगर अभी भी करते हैं तो आपको फिर आगे चल के बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा, इतना आप जान रखिए। क्योंकि जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाएगा तो आप समझ रहे हैं कि पढ़ाई का लेवल भी बढ़ते चले जाएगा। तो अगर अभी आप ISC में है, अभी आप 11th में है, तो धीरे धीरे 12th में भी वजन बढ़ेगा, फिर आगे चल के BSc वगैरह करेंगे तो वहाँ पर भी वजन बढ़ेगा। तो इस तरह से आपको सिर्फ नंबर के पीछे नहीं दौड़ना। हाँ, ये मैटर करता है कि नंबर ही आदमी को पता दिखाने से पता चलता है कि हाँ ये बंदा कितना टैलेंट है, तो उस पर हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ नंबर के लिए ही पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम लोग को नॉलेज के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, आगे चल के हम लोग को किसी तरह का सामना, मतलब कि प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े इसी वजह से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे नंबर, तो आपको पता चल गया कि अभी 2 मंथ हम लोग के पास समय है, 2 मंथ में हम लोग को सारा टॉपिक्स को कवर करेंगे, सारे चैप्टर्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो आराम से जो हम लोग को 15 दिन 16 दिन जो हम लोग को समय मिलेगा, या फिर जब से हम लोग को एडमिट कार्ड लॉन्च हो जाएगा उसके बाद भी तो हम लोग को गैप मिलेगा ना एग्जाम के लिए, तो उतना में से हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप कवर करेंगे तो वहां से मार्कशीट में आपका नंबर भी आ जाएगा, टेंशन नहीं है उसमें। लेकिन अभी जो हम लोग अगर नंबर के पीछे ही दौड़ने लगे तो ये गलत बात है, ठीक है। हाँ, नंबर तो हम लोग बता ही जाएंगे, जैसे कि कोई भी हम लोग टॉपिक यहाँ पे चर्चा करेंगे, कोई भी चैप्टर हम लोग यहाँ पे स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको सिर्फ उतना ही फोकस नहीं करना है, बल्कि पूरा चैप्टर पर फोकस करना है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग इस टॉपिक्स में कि आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं। सो ये तो सारा तो बेसिक इन्फॉर्मेशन देना था कि आपको इतना तो एनालाइज तो हो ही गया होगा 2 मंथ में, है कि नहीं, कि क्या मैट्रिक का सिलेबस था, क्या उसका लेवल था और क्या इंटरमीडिएट का लेवल है। सो ठीक है, चलिए। और अभी भी अगर जैक बोर्ड के ही अनुसार अगर चलिएगा तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है आगे चल के, क्योंकि जैक बोर्ड का जो लेवल हो गया वो पहले जैसा नहीं रहा, अब थोड़ा इजी हो गया। जैसे कि मैट्रिक में पास आउट होना आसान हो गया, उसी तरह से इंटरमीडिएट भी पास होना बहुत ही आसान हो गया, तो आपको इसमें कोई किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं होगा। लेकिन हम लोग को इतना ही में नहीं रुकना है, हम लोग को पूरा कंसेप्ट बिल्डअप करते हुए चलना है। जिस तरह से मैंने भी अपना इंटरमीडिएट के टाइम में अच्छा तरीके से पढ़ा, तो आज देखिए अच्छा तरीके से सारा चीज़ को एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, अच्छा तरीके से सभी चीज़ों को पढ़ा पा रहा हूँ। तो इसी तरह से अगर आपको भी मेहनत करना है तो अभी ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए,
है ना, आगे चल के बहुत समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो आज के जो हम लोग लेक्चर में, आज के जो इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं, वो हम लोग सिलेबस की बात करने जा रहे हैं। आपको तो पता होगा कि मैं अगर अभी से स्टार्ट हो चुका हूँ तब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मतलब कि मेरा अब डेली लेक्चर यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। हर एक चैप्टर को, जितना भी चैप्टर है, सभी चैप्टर्स को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे एक एक करके, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, इम्पॉर्टेंट जो जो VVI जो इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा उसके साथ भी, ठीक है। बाकी जो हम लोग को मॉडल पेपर आएगा उसका भी सोल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन बैंक है उसका भी हम लोग सोल्यूशन करेंगे, सारा कुछ हम लोग करेंगे, और साथ साथ टेस्ट भी आपका लिया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, ऑनलाइन ही होगा, आपको सारा कुछ बता देगा, बाद में सारा कुछ बता दिया जाएगा, ठीक है ना, कि कैसे हम लोग ऑनलाइन टेस्ट देंगे, सो टेंशन नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग जैक बोर्ड के लिए जो हम लोग 2022-27 का जो हम लोग को सेशन है उसमें जो हम लोग को सिलेबस तैयार किया गया है। हम लोग ये भी जानते हैं केमिस्ट्री टोटल मार्क्स कितना होता है, 70 मार्क्स का, 30 मार्क्स का 100 तो होता है हम लोग को पूरा सिलेबस, मतलब चैप्टर, तो उसमें भी जो हम लोग को सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का, जिसमें से 70 मार्क्स आपका थियोरिटिकल होता है, 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल तो आपका डिपेंड करता है कॉलेज पे कि कितना मार्क्स देता है, 29 देता है, 28 देता है, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब बेसिकली हम लोग चलेंगे कि इसमें टारगेट लेकर के 70 मार्क्स के टारगेट में हम लोग लेकर चलेंगे। अब हम लोग को क्या है कि जैक बोर्ड हम लोग को दो टर्म में एग्जाम ले रहा है, टर्म वन और टर्म टू, तो इसी चलते 70 मार्क्स में हम लोग को दो डिवाइड में बट गया, मतलब 35 मार्क्स का हम लोग को एग्जाम होगा दो बार, ठीक है। अब उसमें से हम लोग को टर्म वन और टर्म टू के लिए भी सिलेबस तैयार किया गया है कि कौन सा टॉपिक, मतलब कौन सा चैप्टर हम लोग को टर्म वन के लिए पढ़ना है और कौन सा टॉपिक हम लोग को टर्म टू के लिए पढ़ना है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं टर्म वन में कौन कौन, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि केमिस्ट्री में आखिर हम लोग को कौन कौन सा चैप्टर होता है, चैप्टर को पहले बारे में हम लोग सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन कौन सा टॉपिक या फिर कौन कौन चैप्टर हम लोग को इस बार पढ़ना है टर्म वन के लिए। बेसिकली अभी टर्म वन का एग्जाम होने वाला है तो टर्म वन पे ही फोकस करेंगे, उसके बाद जैसे ही एग्जाम क्लियर हो जाएगा या फिर सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग टर्म टू की तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि केमिस्ट्री आपका तीन पार्ट में बट जाता है, कौन कौन सा पार्ट, तो फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बटता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग को कौन कौन सा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, तो बेसिकली हम लोग को पाँच चैप्टर कोई कोई बता देता है, कोई कोई चार चैप्टर बताता है, कन्फ्यूज हो जाता है आदमी, किसमें कन्फ्यूज हो जाता है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में कन्फ्यूज होता है, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर को बहुत लोग इसको इंक्लूड कर देते हैं फिजिकल में, बहुत लोग इंक्लूड कर देते हैं किसमें, इनऑर्गेनिक में, लेकिन मैं भी जो इंक्लूड किया हूँ वो किसमें किया हूँ, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्यों किया हूँ वो आगे बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो हम लोग को पढ़ना है न्यूक्लियस वगैरह का बात करना है, एटम वगैरह का बात करना है, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली जब कंसेप्ट सारा कुछ जब चैप्टर पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं रिलेट करता है किसके जैसा, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जैसा रिलेट करता है, इसी चलते हम लोग इसको फिजिकल में ना, हालांकि इसमें फिजिकल में इसीलिए लिया जाता है क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ता है, तो न्यूमेरिकल के बेसिस से हम लोग को किस में लिया जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री में, लेकिन अगर कंसेप्ट के अनुसार देखा जाए तो वो हम लोग किस में लिया जाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिया जाता है, तो इसमें लड़ने की बात नहीं, यहाँ रहे पढ़ना तो भैया हम लोग को यही ना है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो देखिए बेसिकली जो आपका यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री का जो यहाँ पे सिलेबस जो है वो कितना हम लोग को चैप्टर पढ़ना होता है, तो चार चैप्टर, कौन कौन, तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग को मोल कंसेप्ट वगैरह सारा कुछ हम लोग यहाँ पे देखना है, इक्विवेलेंट वेट हो गया, कंसेंट्रेशन टर्म हो गया, तो ये सारा चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम लोग को सेकेंड चैप्टर वो क्या, हम लोग को स्टेट ऑफ मैटर, तो स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग गैसेस स्टेट के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स, उसके बाद क्या है इक्विलिब्रियम, तो इतना ही आपका फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर है जिसको हम लोग टर्म वन और टर्म टू में मिला करके पढ़ना है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, किस में आ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली आपका इतना चैप्टर है, कौन कौन सा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, पीरियोडिसिटी है, उसके बाद जिसमें पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्लास टेंथ में अगर आप देखते होंगे तो चैप्टर नंबर कितना होगा, 5, हाँ चैप्टर नंबर, मतलब कि हाँ चैप्टर नंबर 5, जिसमें शायद इस बार आप लोग जो कोरोना काल में थे तो इसमें आपका सिलेबस जो रिड्यूस किया गया था जिसमें वो चैप्टर ही हटा दिया गया, तो चैप्टर हटा दिया गया तो आपको तो और नॉलेज नहीं होगा कि क्या होता है पीरियोडिक टेबल में, है कि ना, तो इस तरह से तो यहाँ पे आपको और मेहनत करना पड़ेगा, तो इसी चलते आपको बोर्ड एग्जाम के लेकर के नहीं पढ़ना है बल्कि आपको पूरा बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक के अच्छा तरीका से नॉलेज अगर ले लेते हैं तो एग्जाम पे ऐसा ही निकल जाएगा, है कि नहीं, एग्जाम पास करने के लिए उतना मेहनत नहीं करना पड़ता है, लेकिन हम लोग को पूरा मेहनत करना है कंसेप्ट को सीखने के लिए, चैप्टर को सीखने के लिए, ठीक है। चलिए,
उसके बाद हम लोग यहाँ पे पीरियोडिक टेबल इसमें पढ़ेंगे, पीरियोडिसिटी में। उसके बाद हाइड्रोजन के बारे में अलग से एक चैप्टर बनाया गया है, तो हाइड्रोजन का चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद एस ब्लॉक एलिमेंट है, केमिकल बॉन्डिंग है, रेडॉक्स रिएक्शन है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है। तो इतना हम लोग को पोर्शन है किसका, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। फिर हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो इसमें देखिए कौन कौन सा चैप्टर है, तो सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक, जिसमें से इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं जीओसी, जिसका मीनिंग होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वही चीज यहाँ पे एनसीईआरटी का जो चैप्टर है उसी के अनुसार यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक का बेस है। मतलब जैसे कि इंग्लिश सीखते हैं तो उसमें एबीसीडी जैसे सीखते हैं, उसी तरह से हम लोग इसको सीखेंगे, ठीक है, तभी हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या चाहिए, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन को हम लोग जब सीखेंगे, पूरे चैप्टर को देखेंगे, तो कोई भी बड़ा बड़ा धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जितना भी रिएक्शन रहेगा उसको हम लोग धीरे धीरे समझना स्टार्ट करेंगे, ताकि हम लोग को 12th क्लास में अच्छा तरीका से समझ में आएगा। तो वो यहाँ पे रिएक्शन वगैरह का बारे में यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। क्या चीज होता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जैसे कि आप 10th क्लास में अगर रिलेट करके दिखाना चाहे, तो जैसे कि शायद आप देखेंगे चैप्टर, तो चैप्टर नंबर 15 और 16 में जो कुछ कुछ देखते होंगे, तो उसमें जो रहता था ना क्या बोले उर्वरक ही सब के बारे में जो पढ़ना उड़ना होता था, वो सारा चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। और भी यहाँ पे वो तो 10th लेवल का था, यहाँ हम लोग 11th में आ गए, तो यहाँ पे हाई लेवल का पढ़ेंगे, तो हायर चीज़ यहाँ पे हम लोग देखेंगे, बहुत सारा कंसेप्ट देखेंगे, तो ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली 3 चैप्टर है। उसके बाद जो हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें हम लोग को 4 चैप्टर है, बाकी इनऑर्गेनिक में तो देख ही रहे हैं, ठीक है। तो इतना चैप्टर हम लोग को पढ़ना है पूरा एक साल में, मतलब क्लास 11th में केमिस्ट्री इतना सारा चैप्टर है। अब इसमें से हम लोग को जब दो भाग में बांट दिया गया है, एक टर्म वन और एक टर्म टू में, तो टर्म वन में कौन कौन से चैप्टर है उसको हम लोग देखते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो टर्म वन में पढ़ना है वो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री देखना है, उसके बाद स्टेट ऑफ मैटर, बस दो ही चैप्टर को हम लोग को देखना है फिजिकल केमिस्ट्री में, जो कि कितना कितना मार्क्स का है। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो है वो 5 नंबर का है, और स्टेट ऑफ मैटर जो गैसेस स्टेट है वो भी हम लोग को 5 मार्क्स का है, तो 10 मार्क्स सिर्फ आपका फिजिकल केमिस्ट्री का हो जाता है, ठीक है। तो ये चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सारा कुछ हम लोग अच्छा तरीके से देखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से सारा कुछ कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं इनऑर्गेनिक में कौन कौन सा पढ़ना है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ना है टर्म वन में, फिर पीरियोडिसिटी को पढ़ना है, फिर हम लोग हाइड्रोजन को देखना है, उसके बाद एस ब्लॉक एलिमेंट्स को, बस हम लोग यहाँ पे 4 चैप्टर को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है, ठीक है। अब इसका नंबर भी देख सकते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर 6 मार्क्स के में पूछा जाता है, पीरियोडिसिटी 5 नंबर का, हाइड्रोजन 4 मार्क्स का, एस ब्लॉक एलिमेंट आपका 5 नंबर का पूछता है। तो इतना हम लोग यहाँ से कवर करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें से आपका सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक सिर्फ आपको पढ़ना है टर्म वन एग्जाम में, जो कि कितना मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, सबसे बड़ा अगर यूनिट बोला जाए इस 11th क्लास का चैप्टर में, तो वो सबसे बड़ा यूनिट देखिए कौन कौन सा है, सो सबसे बड़ा है आपका केमिकल बॉन्डिंग, क्या चीज है केमिकल बॉन्डिंग, उसके बाद आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर भी जाएगा, उसके बाद अगर इसमें बात किया जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपका ये जीओसी चल जाएगा, फिर हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन थोड़ा सा छोटा हो जाता है, लेकिन आपका जीओसी मेन होता है। आपको जब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे आगे चल करके, तो आपको यहाँ पे जब तक जीओसी का कंसेप्ट पता नहीं रहेगा, बेसिक कंसेप्ट नहीं पता रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तब तक आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, समझ में आया। तो इसी चलते आपको 11th क्लास में अगर इसको आप लापरवाही के साथ अगर देखते हैं, तो आगे चल के ना 12th समझ में आएगा और ना ही आगे चल के केमिस्ट्री समझ में आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसी चलते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप बहुत ही अच्छा तरीका से पेशेंस के साथ और पूरा ध्यान पूर्वक इसको पढ़िएगा, ठीक है। हालांकि मैं इतना इजी तरीका से सारा चीज़ को बताऊंगा कि आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्लास में ही सारा कुछ समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। सिर्फ 1 घंटा भी घर में पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा, तो वो मुझ पर छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका सिलेबस कि कैसे कैसे हम लोग को कवर करना है। सो टर्म टू का जब हम लोग को होगा उसमें हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इतना हो गया। अब जैसा कि आपको पता होगा कि मैं कल से नया लेक्चर शुरू करने वाला हूँ, मतलब कि क्लास 11th का सिलेबस यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा, ठीक है ना। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को हर एक स्टूडेंट तक आपका पहुँचाने का जिम्मेवारी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जैसे कि आपका तो ऐसे लेट से सेशन स्टार्ट हुआ है कि नहीं, आपका शायद कितना अगस्त या सितंबर में, अगस्त या सितंबर में ही आपका सेशन स्टार्ट हुआ होगा, कॉलेज आप ज्वाइन किए होंगे, तो ऐसे भी आपका समय नहीं मिला और इधर तो छुट्टी वगैरह के चलते, तो आप तो ज़्यादा चैप्टर पढ़ भी नहीं पाए होंगे। अगर कॉलेज की बात किया जाए तो ज़्यादा ज़्यादा आप 1 से 2 चैप्टर ही पढ़ पाए होंगे ठीक से,
है कि नहीं? तो बहुत कम चैप्टर अभी तक पढ़े हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट को अभी से ही टेंशन आ गया होगा कि एग्ज़ाम मेरा बहुत सामने है और बहुत सारा ऐसा बात नहीं है, आपके पास फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री तो पढ़ना ही है, फिर मैथ होगा तो मैथ पढ़ना है, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इस तरह से फिर इंग्लिश पढ़ना है, कंप्यूटर होगा तो कंप्यूटर पढ़ना होगा, इकोनॉमिक्स होगा इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है स्टूडेंट के लिए। तो ऐसा नहीं ना कि हाँ 2.5 महीना है तो हम पढ़िए लेंगे, इतना सारा इतना इतना ही तो चैप्टर है, तो ऐसा बात नहीं, ये तो सिर्फ केमिस्ट्री का है ना, फिजिक्स भी पढ़ना है, उधर भी पढ़ना है, तो सभी के लिए पढ़ना है। तो 2 महीना हम लोग को बहुत कम समय हो जाता है, कितना हो जाता है, बहुत कम समय हो जाता है। तो आप उधर तो मेहनत करते रहेंगे, चाहे कॉलेज से कीजिए चाहे कोई भी यूट्यूब चैनल से करें, आपका सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे मदद कर सकता हूँ किसका, तो केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में आपको किसी तरह से कोई भी परेशानी नहीं लेना, आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं, आपको 4,000-3,000 का फी दे करके कोई भी ऑफलाइन ट्यूशन भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं मुझ पर आप भरोसा कीजिए, ठीक है, मैं आपको भरोसा भी दिलाता हूँ कि जो भी आपका कंटेंट दिया जाता है ऑफलाइन कोचिंग में, जो कि पैसे वो ले करके किया जाता है और स्टूडेंट को अच्छा तरीके से समझ में भी नहीं आता है, इतना तो नहीं है, जो टैलेंट लड़का रहता है वो तो कहीं भी पढ़ेगा, यूट्यूब से पढ़े या फिर कहीं से पढ़े, वो तो समझ में आ ही जाता है उसको, है कि नहीं? लेकिन जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, अगर वो ट्यूशन भी चले जाते हैं, कितनों फेमस ट्यूशन भी चल जाते हैं, पैसे भी दे देते हैं, क्योंकि मैं अभी अपना समय में मैं भी देख चुका हूँ अपने दोस्तों को, और फिर इतना दिन हो गया पढ़ाते पढ़ाते तो वो भी समझ में आता है धीरे धीरे, है कि नहीं? तो ऑफलाइन कोचिंग में जो भी जाता है तो उतना उन को बेनिफिट नहीं होता, बस एक ही चीज़ फायदा होता है कि अगर कोई कन्फ्यूजन हो या फिर किसी तरह का डायरेक्टली अगर इंटरेक्ट करना है तो फिर ऑफलाइन कोचिंग बेटर रहता है। लेकिन अब वैसा नहीं रह गया, अब धीरे धीरे ऑनलाइन की ओर अगर आओगे तो जैसा कि आपका ऑफलाइन कोचिंग में दिया जाता है कंटेंट, वैसा आपका ऑनलाइन में भी दिया जा रहा है। जैसे कि यूट्यूब है, यूट्यूब में बहुत सारा चैनल मिलेगा आपको जहाँ पर अच्छा से अच्छा कंटेंट मिल रहा है, जो कि आपका ऑफलाइन में भी नहीं दिया जाता है, वहाँ पे सिर्फ तो जैक बोर्ड का तैयारी करवाया जा रहा है। जैसे कि आप 10th क्लास में करते आए हैं, लो ये भी पढ़ो, वी भी आई है, ये पढ़ो, इतना ही पूछता है, तो इस तरह से तो बहुत सारा, और बताइए उतना ही से करने के लिए वो 4,000-3,000 रुपया ले रहा है कि नहीं? तो आपको वो सारा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ अगर कॉलेज जा रहे हैं तो कॉलेज पर फोकस कीजिए। उसके बाद मैं केमिस्ट्री का वादा मतलब भरोसा दिलवाता हूँ कि अगर आप हमसे जुड़ते हैं, हमारे चैनल से जुड़ते हैं, तो आपको क्लास 11th का केमिस्ट्री में कहीं भी दिक्कत नहीं होने देंगे और आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर करवाया जाएगा, बशर्ते आपको सिर्फ हमारे जितना भी गाइडलाइन रहेगा उसको सिर्फ आपको फॉलो करते हुए चलना है और आपको सपोर्ट करना है, समझ में आया? तो बस इतना ही करना है और आपको यहाँ पे कोई पैसा दिया मतलब कि लिया नहीं जाएगा, आपका सारा लेक्चर यहाँ पे जितना भी वीडियो दिया जाएगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है? और बाकी आपका जो डॉट रहेगा, जो आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं, जो क्वेश्चन पूछते हैं, जो आपका पर्सनली मान के चले एक चैप्टर मान के चले यही चीप मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे, मोल कंसेप्ट जो आपका चैप्टर आएगा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, तो मान के चले मोल कंसेप्ट का कोई न्यूमेरिकल बना रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, तो समझ नहीं आ रहा तो आप किसी से पूछेंगे, तो पूछेंगे कहाँ, या तो फिर आप कॉलेज में पूछेंगे या फिर कोचिंग में पूछना पड़ेगा, बाकी बात तो आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर आप यूट्यूब में देखेंगे तो यूट्यूब में आपका तो सिर्फ लेक्चर कोई भी प्रोवाइड कर देता है, तो लेक्चर को आप देखेंगे तो वहाँ पे जो कंसेप्ट है सिर्फ कंसेप्ट को सीखेंगे, लेकिन आपके मन में जो सवाल है उसको तो आप पूछ नहीं सकते वहाँ पे, और पूछेंगे तो कैसे, जवाब तो नहीं मिल पाएगा। लेकिन उस तरह से सभी चीज़ों को देखते हुए मैं सारा प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाला हूँ। आपको जो ऑफलाइन कोचिंग में जो फील होता था, जो आपको प्रॉब्लम सामना करना पड़ता था, जो आपको ऑफलाइन में जाकर के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था, तो उस तरह से आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है, बात समझ में आ रहा है? उसके लिए आपको यहाँ पे 2 ग्रुप बनाया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं टेलीग्राम, क्या चाहिए, आप तो टेलीग्राम के बारे में तो आपको नॉलेज हो ही गया होगा धीरे धीरे, जब आप एंड्रॉयड मोबाइल रखने लग गए तो धीरे धीरे जब इंस्टाग्राम का बात जानने लगे, फेसबुक का जानने लगे, सारा कुछ का जानने लगे, तो आपको टेलीग्राम का भी नॉलेज हो ही गया होगा, नहीं होगा तो थोड़ा सा आप सर्च कर लीजिए टेलीग्राम के बारे में, वो भी एक व्हाट्सएप के जैसा ही होता है, ठीक है? टेलीग्राम आप डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम में फिर लॉगिन वगैरह करने के बाद उसके बाद आप सर्च करने का ऑप्शन देता है, तो वहाँ पे सर्च कीजिएगा क्या चीज़, क्रिएटिव क्लासेस बाय अमित के, ठीक है, जो चैनल का नाम है वही चीज़, तो उसमें 2 चीज़ आ जाएगा, 2 गो, एक तो इस नाम से आएगा, एक इस तरह से अमित के लिखने के बाद आगे डॉट लिखा रहेगा, उसका मतलब वो ग्रुप वाला है, ठीक है? तो 2 गो यहाँ पे एक ऊपर वाला चैनल है, नीचे वाला क्या है, ग्रुप है, तो दोनों में आपको ज्वाइन हो जाना है, ठीक है? अब दोनों में ज्वाइन हो जाना, अब ये जो ऊपर वाला है इसमें क्या रहता है, इसमें अगर आप ज्वाइन होते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगा, तो कंटेंट मिलेगा आपको, क्या चीज़, आपको सिर्फ वहाँ पे जो भी मैं प्रोवाइड करूँगा, चाहे नोट्स है, चाहे कोई क्वेश्चंस है DPP वगैरह, या फिर कोई टेस्ट वगैरह, या फिर कोई इंफॉर्मेशन देना है क्लास वगैरह के बारे में, तो मैं यहीं पे डालूँगा, ठीक है? उसके बाद अगर आपको किसी तरह का कोई क्वेरी है, ठीक है, आपको मन में कोई भी क्वेश्चंस रहता है, तो आप जैसे कि यूट्यूब में क्या करते हैं, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, तो वैसा होता है कि जैसे टीचर आपका कमेंट पढ़ रहा है तो उसको फील नहीं आता है कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं,
है कि नहीं, तो अगर वो भी अगर समझ भी जाते हैं तो वो भी टाइपिंग करके ही भेजते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता है कि आखिर कहना क्या चाह रहा है। जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो उस पर ज़्यादा समझ में आता है वैसे करके, है कि नहीं, आप सुनते हैं बातों को तो। लेकिन लिखा हुआ चीज़ से, अगर लिखा हुआ चीज़ से सारा कुछ समझ में आ जाता तो आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं था, आप बुक ले लेते तो बुक से ही सारा कुछ समझ में आ जाता, क्या आता है क्या नहीं आता। तो इसी चलते वो सारा चीज़ देखते हुए मैं यहाँ पर टेलीग्राम मतलब ग्रुप बनाया हूँ, जहाँ पर क्या रहेगा कि अगर यदि आपको टाइपिंग करने की ज़रूरत है टाइपिंग करके मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं मैं बोल करके सर को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मेरा प्रॉब्लम क्या है, तो आप वॉइस रिकॉर्ड कर लीजिएगा और यहाँ पे सेंड कर लीजिएगा जैसे व्हाट्सएप में करते हैं उस तरह से, या तो फिर आपको लगेगा कि एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं उसके थ्रू आप बता दीजिएगा पेन उन चला करके कॉपी में कि क्या प्रॉब्लम है आपको, तो वैसे भी आप यहाँ पर भेज सकते हैं, चाहे आप कोई भी क्वेश्चन में फंस गए या फिर मान के चलिए एनसीईआरटी किताब, जैसा कि उतना तो हम यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं बता पाएंगे, रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस बनाएंगे जिससे आपका सारा क्वेश्चंस बन जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई बुक उठा लेंगे और सारा क्वेश्चंस यहाँ पे बनाते चले जाए तो उतना समय भी बचेगा नहीं, है कि नहीं, और पॉसिबल भी नहीं है उतना सारा क्वेश्चंस बनाने का। तो इसी चलते अगर आप खुद से मेहनत करेंगे कोई भी क्वेश्चंस बनाने का, तो मान के चलिए कोई दूसरा किताब खोले और वहाँ पे वो क्वेश्चन फंस गए, आपको उसको सॉल्यूशन करवाना है, तो आप कैसे करेंगे, तो आप उसका फोटो क्लिक करके और इस ग्रुप में आप डाल दीजिएगा, यहाँ पे सभी के लिए ऑप्शन रहेगा यहाँ पे मैसेज करने का, और इसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर एडमिन है, मतलब कि सिर्फ मैं ही यहाँ पे मैसेज कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सारा स्टडी मटेरियल रहेगा, अगर एक ही चीज़ में सारा कुछ रहेगा तो आपको खोजने में क्या होता है परेशानी होता है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल रहेगा, तो आप जब भी चाहें तो यहाँ पे आप खोज सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैसेज वगैरह चलेगा, यहाँ पे डॉट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट रहेंगे, मान के चलो 100 स्टूडेंट रहेंगे, अब 100 स्टूडेंट रहेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे आपका प्रॉब्लम रहा तो आप यहाँ पे भेजे, ठीक है, हो सकता है मैं उस मैसेज को नहीं देखूँ, तो जितना 100 में से एक तो आप हो गए, 99 स्टूडेंट तो अभी बैठे हुए हैं, अब 99 स्टूडेंट जब हमसे जुड़े हुए हैं सारा कुछ उसको पता है कि सारा कुछ, हो सकता है उससे सवाल बन जाए, तो आपका जैसे ही मैसेज वो देखेगा तो उसका रिप्लाई वो दे देगा या फिर अगला आदमी देगा, तो इस तरह से एक दूसरे का भी यहाँ पे मदद हो जाएगा, आप क्वेश्चन पूछेंगे तो अगला आदमी क्वेश्चन का आंसर दे देगा, या फिर किसी से नहीं बनेगा तो लास्ट में तो मैं हूँ, मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, हो सकता है उसको ऑडियो रिकॉर्डिंग करके वॉइस रिकॉर्डिंग करके दे दूँ, या फिर इसी तरह से लेक्चर बना करके थोड़ा सा उसमें सेंड कर दूँ उस क्वेश्चन का पर्टिकुलर, ठीक है, तो उस तरह से आप समझ सकते हैं, तो इस तरह से आपको कहीं भी किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, और इस तरह का फैसिलिटी आपको कोई भी चैनल में नहीं मिलेगा। इसी चलते बोल रहे हैं अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको बहुत अच्छा चीज़ यहाँ पर दिया जाएगा, आपको तो कंसेप्ट दिया ही जाएगा, बाकी आपको नॉलेज यहाँ पे बहुत अच्छा से दिया जाएगा, हम यहाँ पे सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं आ रहे हैं, आपको पहले से ही यहाँ पे पता होना चाहिए, जैसे कि हर एक यूट्यूब चैनल जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए बताता है, जितना कंटेंट रिक्वायर है एग्जाम पास आउट करने के लिए बस उतना ही कंटेंट बताता है, लेकिन मैं उतना नहीं, मैं आगे सोचकर भी आपको चल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप 11th पास आउट कर लीजिएगा तो आपको जॉब मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं है, तो जॉब लेने के लिए आपको और पढ़ना पड़ेगा, आगे क्लास में पढ़ना पड़ेगा, और आगे पढ़ने के लिए आपका सारा पीछे वाला का नॉलेज होना चाहिए, जैसे कभी 10th क्लास 9th क्लास का अगर कंसेप्ट भूल गए होंगे तभी पता चल रहा होगा, जैसे फिजिक्स का बात करते हैं तो फिजिक्स में अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, जैसे कि 9th क्लास में नहीं पढ़े होंगे, तो इस तरह का सामना आगे भी करना पड़ेगा। इसी चलते हम लोग सिर्फ थोड़ा थोड़ा ना पढ़ करके हम लोग पूरा चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट तो साथ साथ होते रहेगा, तो उससे एग्जाम भी पास हो जाइएगा, बाकी इधर भी नॉलेज ले लीजिएगा, ठीक है, तो इस तरह से कहानी है। बाकी ऐसा है जैसे कि इस चैनल में है कि आप जो भी मैसेज करेंगे वो पब्लिकली रहेगा, मतलब सभी कोई वहाँ पे आपका मैसेज सीन करेंगे, लेकिन ऐसा है कुछ बात रहेगा जैसे कि मैं अपना मोबाइल नंबर या फिर व्हाट्सएप नंबर कोई भी शेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि थोड़ा दिक्कत है प्राइवेसी वाला, कितना नंबर दे सकते हैं, बहुत सारा मैसेज आ जाएगा तो सबका रिप्लाई भी देना पॉसिबल नहीं है, और सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हम यहाँ पे नंबर भी शेयर नहीं करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए अगर आपको कभी वैसा लगा कि हमसे डायरेक्टली बात करना चाह रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है जो हमसे शेयर करना चाहते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन है जो हमसे पूछना चाहते हैं डायरेक्टली, बात समझ में आया, या फिर किसी तरह का कोई बात रहे, तो उसके लिए आप कहाँ पे मैसेज करेंगे, टेलीग्राम में तो कर नहीं पाएंगे पर्सनली, वहाँ पे तो होगा नहीं क्योंकि वहाँ पे पब्लिकली है, सब वहाँ पे मैसेज देखेगा, अगर कोई वैसा अगर इमरजेंसी है या फिर कुछ किसी तरह का भी बात करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम में क्रिएटिव क्लासेस बाय अमित करके, जो कि आपका चैनल नाम है, उसी नाम से यहाँ पे इंस्टाग्राम तो नॉर्मली सभी कोई यूज करते हैं, तो इंस्टाग्राम में ये चीज़ जा करके फॉलो कर लीजिएगा, और वहाँ पे डायरेक्टली कोई भी मैसेज कर सकते हैं, आपका मैसेज का रिप्लाई दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली हमसे इंटरेक्ट कर पाएंगे, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ पे आपका सॉल्व कर दिया जाएगा, बाकी तो जो भी प्रॉब्लम वो तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका पर्सनली के लिए है कि आप हमसे जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है। चलिए, फेसबुक वगैरह में भी थे, लेकिन फेसबुक अभी है सो कुछ दिनों के लिए अभी बंद किए हुए हैं,
अभी उधर नहीं जा रहे, सिर्फ अभी इंस्टाग्राम चला पा रहे हैं, ठीक है ना। बिजी है तो कहाँ उधर जाए इधर जाए, तो ज़्यादा कुछ नहीं। इधर यूट्यूब भी संभालना पड़ता है, खुद भी पढ़ना पड़ता है, तो उतना समय नहीं बच पाता है। चलिए, तो ये सारा चीज़ था जो आपको जानना ज़रूरी था कि कैसे हम यहाँ पे क्लास स्टार्ट करने वाले हैं इसे, ठीक है। अब रहा बात कि कल से हम लोग कौन सा मतलब कि चैप्टर शुरू करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे और उसके बारे में, उसके बाद धीरे 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 सारा चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, आपको एक वो शेड्यूल दिया जाएगा, ठीक है, तो रूटीन दिया जाएगा कि कौन सा तारीख से कौन सा चैप्टर शुरू किया जाएगा, या फिर आपका टेस्ट कितना तारीख को होगा, या फिर कौन सा लेक्चर किस दिन आपका अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ अपडेट कर दिया जाएगा, तो उसको अब तैयार कर रहा हूँ फॉर्मेट कि अरे लेक्चर भी तो बनाना है ना, तो 2 मंथ का यहाँ पे पूरा शेड्यूल बना दूंगा, ठीक है, और आपको बता दूंगा, या फिर टेलीग्राम में यहाँ पे शेयर कर दूंगा, या फिर चैनल में ही आपको बता दिया जाएगा कि क्या यहाँ पे लेक्चर प्लानिंग है, ठीक है। तो इस तरह से बाकी बात यहाँ पे क्या करना, अगर मैं बस इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सभी लोगों से कि जिस मुसीबत से आप यहाँ पे जूझ रहे हैं, जैसा कि आप 10th क्लास से आए हैं डायरेक्टली 11th क्लास में, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो वीडियो भी देख रहे हैं, तो उन्हें अभी 11th क्लास का टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहा होगा, और आपको रिक्वायर्ड होगा एक वैसे टीचर्स का जो आपका प्रॉब्लम को समझ सके। जैसे कि आप कॉलेज जाते होंगे, कोई भी कॉलेज, मैं किसी पार्टिकुलर कॉलेज का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो अगर आप जिस भी कॉलेज में अगर आप वहाँ पे पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पे क्या होता होगा कि सब रहते हैं एक्सपीरियंस वाला टीचर, लेकिन कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा को अच्छा तरीके से समझा नहीं पाते। वो टीचर उन्हीं को समझा पाते हैं जो थोड़ा सा टैलेंट रहता है, कुछ भी बताते हैं वो स्टूडेंट समझ जाता है, तो उसी के अनुसार उन लोग सिलेबस को तैयार करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो पढ़ाने वाला हूँ या फिर बताने वाला हूँ, तो वो मैं कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा को देखते हुए यहाँ पे लेक्चर शूट करूँगा, ताकि अगर कोई कमज़ोर बच्चा भी जिसको कुछ भी नहीं आता, वो भी अगर हमारे लेक्चर को यहाँ पे देखेंगे, तो उसको एक एक करके सारा कुछ समझ में आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो उस तरह से किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बात समझ में आया। तो आपको जहाँ आप पैसे खर्चा करके जो शिक्षा लेना चाह रहे हैं, वहाँ जो नहीं मिल रहा है वो मैं यहाँ पे फ्री में देने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप किसी चैनल में भटकने की जरूरत नहीं है, आप मुझ पर भरोसा रखिए सिर्फ, ठीक है। बाकी तो आप रिजल्ट भी देख सकते हैं, हमारे चैनल में अपलोड किया हुआ है, तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पे रिजल्ट दिया जा चुका है पिछले वर्षों, ठीक है। तो इस तरह से बाकी और क्या बोले, जैसे कि जैसे हम लोग को लेक्चर यहाँ पे शुरू होगा, जैसे जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वैसे हम लोग और सारी बातें करते हुए रहेंगे, ठीक है। अब टेस्ट वगैरह का जब हम लोग अनाउंस करेंगे कि आज टेस्ट होने वाला है या फिर इतना तारीख को टेस्ट होने वाला है, तो उसके बारे में वहाँ पे चर्चा कर देंगे कि किस तरह का यहाँ पे टेस्ट देना है, ठीक है। बाकी जो भी है वो देखा जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी सवाल है या फिर कुछ भी पूछना है, तो आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में या फिर ग्रुप में ज्वाइन हो लीजिए, यहाँ पे भी सवाल कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे जो यूट्यूब के नीचे जो कमेंट सेक्शन है, तो कमेंट सेक्शन में आप जाकर वहाँ पे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा, ठीक है। चलिए, तो यही सब बातों पर ध्यान रखते हुए बस आपको बस इतना ही बोल रहे हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि हम 10th क्लास में अच्छे से नहीं पढ़े, 9th क्लास में अच्छे से नहीं पढ़े, तो हमें समझ नहीं आ रहा है 11th वगैरह, आपको इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है, आपको टेंशन नहीं है। मैं इस तरह से, मैं भी एक जैक बोर्ड का ही स्टूडेंट हूँ, हिंदी मीडियम से ही आया हूँ, और मैं यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में आकर के साइंस पढ़ा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जब मैं उस गति से आया हूँ, मुझे भी जिस तरह से आपको प्रॉब्लम का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है, एक समय था कि मुझे भी इसी तरह से चलना पड़ा था, बात समझ में आ रहा है ना। तो मुझे पता है कि स्टूडेंट को क्या रिक्वायर्ड है, स्टूडेंट को क्या क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसको किस तरह से पढ़ाया जाए जो कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा को, मैं ऐसा टैलेंट नहीं था, बस अरते मैं लगातार लगा रहा कंटिन्यू, तो पढ़ते थोड़ा नॉलेज बढ़ गया, बात समझ में आया। तो इस तरह से अगर आप भी मेहनत करेंगे, हमसे जुड़े हुए रहेंगे, तो आप भी हमसे टैलेंट हो जाएंगे, बात समझ में आया। तो इस तरह से, तो डरने की बात नहीं है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट डरे हुए हैं, मैं आसपास में बहुत सारे स्टूडेंट से जुड़ा हूँ, तो उन लोग से पूछता रहता हूँ, तो उन लोग को बताते हैं कि जैसे ही 11th आया, मतलब कि जैसे परसेंटेज आया 10th क्लास में 92%, 93% इस तरह से, तो उन लोग आके डायरेक्टली साइंस ले लिया। साइंस लेने के बाद जब अच्छा टीचर नहीं मिल रहा, अब एक तो उन लोग हिंदी मीडियम से आया, हिंदी मीडियम से आने के बाद इंग्लिश पढ़ना पड़ रहा है, तो इंग्लिश समझने में टाइम लग रहा है, बाकी बात जो इतना हायर कंसेप्ट है वो सारा कुछ अच्छा तरीके से समझाया नहीं जा रहा है, तो बच्चा समझेगा कैसे। तो बहुत सारा उन लोग के पास, और उन लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, उन लोग को समझ नहीं आ रहा, उन लोग को ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैं गलती से साइंस ले लिया, मुझे तो आर्ट्स लेना चाहिए था, इस तरह का भावना उन लोग के मन में उत्पन्न हो रहा है। लेकिन ऐसा आपको करने की जरूरत नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, अभी कोई भी अगर नया चीज़ शुरुआत कीजिएगा तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है,
अभी 2 महीने तो हुआ है, अभी आपको 2 साल सीखना है पूरा, ठीक है। तो यही सब तो सीखना है कि कैसे हम लोग इंग्लिश को मेंटेन करना है, कैसे सारे हायर कंसेप्ट को मतलब कि कंप्लीट करना है, कैसे हम लोग बुक पढ़ेंगे, ये सारा चीज़ आपको धीरे 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 सारा कुछ नॉलेज देता चला जाऊँगा, तब अभी हम हमारे जैसे बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अभी अगर आपको डर लग रहा है तो आप हमसे जुड़े हुए रहिए, बस जैसे जैसे मैं कहते जा रहा हूँ वैसे आप सिर्फ फॉलो करते जाइएगा, बाकी आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं कि हम हिंदी मीडियम से आए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं कमज़ोर बचाऊँ, इस तरह प्रॉब्लम नहीं होगा आगे चल के, ठीक है। चलिए, बाकी जो भी प्रॉब्लम है वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, मैं आपका हर एक प्रॉब्लम को मतलब कि सॉल्व करने के हमेशा खड़ा रहूँगा, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं हम लोग चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे, कल ही आपका एक सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का आपका मोल कंसेप्ट जो टॉपिक आता है उसे एक लेक्चर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आप उसको यहाँ पे देख लीजिएगा, एक आपका टाइमिंग भी सेट कर देंगे कि कितना टाइम में आपका लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अभी शेड्यूल जब तैयार कर रहा हूँ, शेड्यूल तैयार हो जाएगा उसके बाद मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप हमसे जुड़े हुए रहे, जुड़ने के लिए आपसे मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन होगा उसमें प्रेस भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचता रहेगा, तभी तो आप पढ़ पाएंगे ना। पता चलेगा आज पढ़े फिर एक सप्ताह बाद पढ़ रहे, तो ऐसा नहीं, आज से आप ये आप ले लीजिए, आप ये मतलब आज से ठान लीजिए कि आज से हमको पढ़ना स्टार्ट करना है, क्योंकि 2 महीने के बाद आपका 11th का एग्जाम है। अगर अभी देखिए 10th क्लास में आप 80% 90% ला के बैठे हैं, अगर आप 11th क्लास में फेल हो जाइएगा तो बताइए कितना शर्म का बात है कि नहीं, अपने माता पिता का नाम भी डुबा दीजिएगा। तो इस तरह से नहीं करना है, अभी से आप सीरियस हो जाइएगा, बाकी जो सोशल मीडिया का यूज करते हैं उसमें थोड़ा सा कम ध्यान दीजिए, बात समझ में आ रहा है, अभी से आप लग जाइए पढ़ने के लिए, मैं तो आपके साथ हूँ ही। जो भी प्रॉब्लम है आप हमसे शेयर कीजिएगा, मैं उसका निदान करने की हमेशा कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।